दिवाली की साफ़ सफाई और साज सज्जा में जब हम घर के कोने कोने की साफ़ सफाई और सजावट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा ध्यान जो आता है वो आता है घर के एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार पर। तो प्रवेश द्वार को भी दिवाली पर कुछ ख़ास तरीके से सजाया जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दिवाली पर मैंने अपने होम एंट्रेंस को यानी कि घर के प्रवेश द्वार को किस प्रकार से सजाया है वही वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें विद बेल बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ ये एक सरफेस। यहाँ पर बेसिकली मेरे गैस सिलेंडर रखे होते हैं और इसके ऊपर एक स्लैब टाइप का है, तो उसके ऊपर मैं हमेशा तुलसी का पौधा रखा करती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इसको कुछ चेंज किया जाए। तो यहाँ पर मैंने रखा है थोड़ा सा आर्टिफिशियल ग्रास, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने अपने इस स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नाप करके कटवा लिया था और मैं लेकर के आई थी, और उसको लगाने के बाद में काफ़ी अच्छा घास जैसा इफ़ेक्ट आ रहा है, जैसे कि रियल घास हो। और मैंने यहाँ पर लगाए हैं कुछ प्लांट, और प्लांट लगाने के बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट जो कि हल्की धूप में भी चल जाते हैं, हल्की कम धूप में भी चल जाते हैं। और लगाया है मैंने तुलसी कोटा का प्लांट, और तुलसी कोटा का प्लांट मैंने वही वाला लगाया है जो तुलसी कोटा मैं लेकर के आई थी, आपके साथ में शेयर भी किया था। तो ये वाला तुलसी कोटा का मैंने यहाँ पे प्लांट पॉट लगाया है। और अभी साथ ही में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं मेरे सभी प्लांट जो मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं, और ये आ गया है मेरा तुलसी कोटा, और ये बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट है। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे के अंदर रखा है तुलसी कोटा का प्लांट, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो ड्रेन हो तो प्लेट के अंदर ही रहे। और यहाँ पर मैंने एक अनयूज्ड प्लेट का यूज़ किया है, जिसमें मैंने रखा है शिवलिंग और साईं बाबा की एक मूर्ति, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको घर के बाहर रखा है। और साथ ही इस ग्रास के ऊपर रखा मैंने एक क्रोटन का प्लांट, और साथ ही अपने DIY किए हुए कुछ प्लांटर और प्लांट पॉट। आप देख सकते हैं ये सिंगोनियम का प्लांट यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और एक ये छोटे से प्लास्टिक पॉट में मैंने लगाई हुई है मनी प्लांट, जो कि ग्रीनरी का इफेक्ट तो देती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगती है, और घर के मुख्य द्वार पर रखी हुई बहुत ही ज़्यादा शुभ भी मानी जाती है। साथ ही साथ रखा है मैंने एक ये फाइकस का प्लांट, और आप देख सकते हैं कि एक ग्रास मैट, आर्टिफिशियल ग्रास इसको बोलेंगे, आर्टिफिशियल ग्रास को ऐड करने से ही मेरे जो एक ये कॉर्नर था इसमें बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट सा लुक आ गया है। और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा फ्लावर पॉट था आर्टिफिशियल, जो कि DIY है, तो ये मैंने बनाया था, तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। और ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये आप दरवाज़ा जो देख रहे हैं, इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने गैस सिलेंडर। तो अभी मैंने यहाँ पर रखा है अपना एक अरिका पॉम, जो कि काफ़ी टाइम से रखा है, काफ़ी सालों से रखा है यहाँ पर, काफ़ी हैवी इसका गमला है, तो इसको अपनी जगह से हिलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में जो कॉर्नर पर आ गए हैं वो मेरे ये कुछ प्लांट आ गए, जिसमें सुख शांति है, और ये आ गए हैं दो हिबिस्कस, जिसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी सारी कलियाँ भी बनी हुई है और फ्लावरिंग भी चलती रहती है। उसके बराबर में ही आ गए हैं मेरे गुलदाउदी के प्लांट और ये मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल। तो अभी इन गमलों को मैंने पेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि दिवाली में आप सभी को पता है काफ़ी सारे काम होते हैं, वैसे दिवाली में अभी 2-3 दिन हैं, तो कोशिश करूंगी टाइम से पहले ही मैं इनको पेंट कर दूं। तो ये आपने देखा था सेम मेरा एंट्रेंस, और ये एंट्रेंस के बराबर में आ गई है मेरी किचन की विंडो, जो कि बाहर के साइड में खुलती है। और ये आप देख रहे हैं मेरा एग्जॉस्ट फैन है, चिमनी का जो पाइप होता है वो इस साइड में लगता है। तो किचन के ऊपर मैं कोई भी हैंगिंग प्लांटर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि एक तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दूसरे जो हमारी फ़िल्टर चिमनी में से जो हवा जाती है वो भी ठीक से नहीं जा पाएगी। और यहाँ पर मैंने लगाए हैं कुछ लाइव प्लांट, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं, और ये है मेरे घर का
मेन एंट्रेंस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ और यहाँ पर एंट्रेंस बहुत ही छोटा सा है, पतली सी एक गैलरी टाइप या आप बैल्कनी टाइप इसको बोल सकते हैं। तो इस वजह से मैं दोनों साइड में प्लांट नहीं लगा सकती हूँ। हालांकि मैंने अपने घर को काफ़ी ग्रीनरी से सजाया हुआ है और आप देख सकते हैं किचन की विंडो के ऊपर भी मैंने छोटे छोटे से प्लांटर्स रखे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे प्लांट हैं। और उसके बराबर में ही जहाँ पर मेरी ये सीढ़ी के बराबर में जो रेलिंग होती है या स्टेयर्स के बराबर में जो रेलिंग है उसमें मैंने एक हैंगिंग प्लांटर्स है और जिसके अंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं। प्लांट्स कौन कौन से लगाए वैसे तो आप मेरी गार्डनिंग प्लेलिस्ट देख ही सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने लगाई है ये मनी प्लांट, वॉन्ड्रिंग ज्यू, और ये काफ़ी लंबी मेरी मनी प्लांट है। आपको दिखा देती हूँ, मनी प्लांट और टर्टल वाइन ये लगाई हुई है मैंने और ये काफ़ी लंबी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये हैंगिंग बास्केट में लगी हुई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मनी प्लांट और अपने टर्टल वाइन से ये गैलरी मैंने या बैल्कनी जो है मेरी छोटी सी इसको डेकोरेट किया है। और नीचे भी मैंने मोगरा का और ये चाइनीज पाम लगाया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये विंड चैम्स के अंदर मैंने दिवाली के लिए क्योंकि दिवाली स्पेशल एक लाइट लगाई हुई है यहाँ पर इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने DIY की जो थी वो भी आपके साथ में शेयर की है। साथ ही साथ एक ये जो एक हैंगिंग देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये भी एक DIY है। और साथ ही साथ में मैंने लगाई है यहाँ पर एक वॉल पेंटिंग और हैंगिंग टी लाइट होल्डर, कैंडल होल्डर। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये पेंटिंग मैंने काफ़ी साल पहले अमेज़न से ख़रीदी थी। अगर मिल गया लिंक तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ये इसी तरीके से दो पीस में आई थी और काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी एक वॉल पेंटिंग जो है वो मैंने लगा दी है। और इसके बाद में इसका नाइट लुक भी मैं आपको दूंगी क्योंकि नाइट में ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल के दूसरे साइड में मैंने लगाई थी ये एक DIY की हुई है, मैंने वॉल शेल्फ लगाई हैं जिसके ऊपर भी मैंने प्लांटर्स रखे हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको नाइट लुक जो है वो। अभी हालांकि मैंने पूरी तरीके से लाइट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगाई हैं, जब लाइट्स वगैरह पूरी लगा दूंगी तब मैं आपके साथ में दिवाली से पहले पहले इसका टूर पूरा होम टूर में शेयर करूंगी आपके साथ में बहुत जल्दी ही। और ये सब आपको दिवाली से पहले पहले देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरी बैल्कनी जो है वो नाइट में अभी कुछ ऐसा लुक दे रही है। ये जो विंड चैम्स के अंदर मैंने लाइट लगाई है वो लाइट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और शायद कैमरा में इतनी लाइट पता नहीं चल रही है लेकिन इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मैंने टी लाइट कैंडल होल्डर लगाए हैं ये DIY टी लाइट कैंडल होल्डर के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मेन डोर से मेरे ये मेरी जो बैल्कनी है वो या प्रवेश द्वार है मेरा वो कुछ इस तरीके से लगता है शाम के टाइम या रात के टाइम। और अभी मैं ये देखिए कितनी छोटी सी जगह है और इस जगह को मैंने कुछ इसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश की है क्योंकि निकलने में भी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है और मेरे अलावा भी ऊपर हमने रेंट पर दिया हुआ है तो वो लोग भी आते हैं तो फिर दिक्कत ना हो उनको भी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इसी तरीके से रखने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए ये मेरे रियल प्लांट जो मैंने रखे हैं वहाँ पर मैंने कुछ फेरी लाइट लगाई हुई है और आप देख सकते हैं इसका नाइट लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हालांकि मैंने इसको बहुत ही मिनिमल रखने की कोशिश की है और बहुत ही सिंपल सा रखने की कोशिश की है क्योंकि सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा सुंदर और एलिगेंट लगती हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आँखों को सुकून देती हैं। बाकी अभी जो चूँकि दिवाली है तो दिवाली में लाइट्स तो बहुत सारी ढेर सारी लाइट्स तो लगानी बनती हैं, वो मैं ज़रूर लगाऊंगी और जब भी लगाऊंगी तो उसके साथ में आपके साथ में पूरा टूर अच्छे से शेयर करूंगी, उसके लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूंगी कि आप एक बारी शाम के टाइम ज़रूर चेक कर लीजिए मेरा चैनल क्योंकि आजकल जैसे दिवाली स्पेशल है तो मैं इसके साथ में आपको हो सकता है कि दो डेकोर वीडियो भी शेयर करूँ, तो एक बारी शाम को ज़रूर चेक कर लें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें विद बेल बटन से, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने
देखने के लिए। और बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारा काम होता है दिवाली पर, आपको सबको पता ही है, आप सभी के घर में भी होगा। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कल को मिलूँगी आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, और जुड़े रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी धनतेरस, और हाँ, धनतेरस तो हो जाएगा जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस।